हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह में। दोस्तों, आज का यह वीडियो वर्डप्रेस से रिलेटेड है, जिसमें मैं वूकॉमर्स में शिपिंग चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें शिपिंग चार्ज सेट करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा फार्मूला भी लगता है और बहुत सारा टाइप्स होता है। तो इसमें से मैं लगभग सभी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि आपका कोई एक प्रोडक्ट मंगा रहा है, तो उसके लिए मान के चलिए आप 70 रुपये का शिपिंग चार्ज सेट किए हुए हैं, लेकिन वही क्वान्टिटी अगर वो डबल मंगा लेता है, तब तो आप 70 रुपये की शिपिंग चार्ज में उसको दो क्वांटिटी आप डिलीवर नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर आप डबल भी करते हैं, तब 140 रुपये हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप चाहेंगे कि 70 और कुछ रुपये और जोड़ें, मतलब 70 रुपये एक क्वांटिटी के लिए है, 110 रुपये दो क्वांटिटी के लिए है। तो इसी तरीके से बहुत सारा आप फार्मूला के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप पूरा सेट कर पाएंगे कि पहले क्वांटिटी एक क्वांटिटी मंगा रहा है तब 70 रुपये पड़ेगा, दूसरा मंगा रहा है तो 110 पड़ेगा या फिर 100 रुपये पड़ेगा, तीन मंगा रहा है तो 140 रुपये पड़ेगा या फिर 150 रुपये पड़ेगा। इसी तरीके से पर क्वांटिटी का आप सेट कर पाएंगे। तो इसमें आपको शिपिंग चार्ज से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरा जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले वर्डप्रेस के आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर वूकॉमर्स का आपका ऑप्शन मिलता है। वूकॉमर्स में जाने के बाद जो राइट साइड में ओपन होगा, इसमें आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर शिपिंग का ऑप्शन मिलता है। यहीं से हम लोग का शिपिंग का सभी सेटिंग्स होता है। तो शिपिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर से हम अपना 8 शिपिंग जोन यहाँ पर से जोन बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया हुआ हूँ, बिलासपुर जोन बनाया हुआ हूँ। ये बिलासपुर नाम इसलिए रखा हूँ, मैं जिस सिटी में रहता हूँ वो बिलासपुर नाम है, तो उस सिटी का मैं डिलीवरी चार्ज बहुत कम रखना चाहता हूँ। उसके अंतर्गत इतना सभी पिन कोड बिलासपुर के अंतर्गत ये कवर होता है, तो इस पिन कोड को मैं अलग से रखा हुआ हूँ और इसका शिपिंग मेथड का जो नाम रखा हूँ डिलीवरी चार्ज रखा हूँ। इसी तरीके से जहाँ मैं सर्विस नहीं कर सकता उस शिपिंग जोन का नाम रख दिया हूँ नॉट सर्विसेबल, यहाँ पर मैं सर्विस नहीं देता हूँ। इसके अंतर्गत ये सभी पिन कोड आता है, तो यहाँ पर से ऑर्डर करेंगे तो उनको यही दिखाएगा, मतलब लोकल पिकअप उनको आ करके खुद से पिकअप करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको शिपिंग जोन बनाना है और उसके अंदर शिपिंग मेथड बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 8 शिपिंग जोन में आपको क्लिक करना है। अभी मैं पूरा एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद जो शिपिंग जोन बनाया हूँ उसको ओपन करके दिखाऊंगा उसमें मैं कैसे किया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपको शिपिंग जोन का नाम देना है, जैसे कि मैं अपने सिटी का नाम ही दे दिया था बिलासपुर, ऐसे ही आप, जैसे मैं शिपिंग जोन का नाम डायरेक्ट मैं इंडिया ही डाल देता हूँ। शिपिंग जोन का हमारा नाम हो गया इंडिया। अब इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा पिन कोड कवर करना चाहते हैं, तो इसमें पिन कोड हम लोग इस तरीके से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट बनाना है आपको, एक लाइन में एक पिन कोड रखना है, जैसे कि 1 2 3 4 5, एक पिन कोड हो गया। उसके बाद इंटर दबाना है, उसके बाद फिर से दूसरा पिन कोड हम लोग को डालना है। ऐसे ही करके हम अपना जितना पिन कोड डालना चाहते हैं वो सभी भी डाल सकते हैं, और अगर हम एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना है सोचेंगे तो उसमें ऐसे करके डालना है, उसके बाद डॉट डॉट कर देना है, उसके बाद जिस पिन कोड तक हम लोग कवर करना चाहते हैं वहाँ तक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। तो मान के चलिए अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इसी को मैं रख लिए रहता हूँ, तो ये हम लोग का पिन कोड यहाँ से यहाँ तक कवर होगा करके मैं दिखा दिया हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग का आता है शिपिंग मेथड का ऑप्शन। तो एड शिपिंग मेथड में आपको क्लिक करना है और मेथड का आपको नाम देना है यहाँ पर। तो ये मेथड मैं पहले से क्रिएट किया हुआ था, तो इस कारण से ये सभी दिखाई दे रहा है, फ्री शिपिंग, लोकल पिकअप, इसमें किसी को भी आप क्लिक कर लीजिए। अभी फ्लैट रेट को मैं क्लिक कर लिया हूँ, उसके बाद एड शिपिंग मेथड को क्लिक कर लिया, तो फ्लैट रेट का यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा इसको क्लिक करने के बाद। तो एडिट में हम लोग क्लिक करेंगे और मेथड का टाइटल हम लोग डाल सकते हैं, जो फ्लैट रेट हम लोग अभी सेलेक्ट किए थे इसको हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीवरी चार्ज रखा हुआ था, इसको मैं रख देता हूँ सिर्फ कॉस्ट लिख देता हूँ अभी। तो हम लोग का जो मेथड है उसका नाम हो गया कॉस्ट, और उसके बाद हम लोग इसको टैक्सेबल रखना चाहते हैं कि नॉन टैक्सेबल, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट क्या पड़ेगा आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 55 रख दिया, इसका मतलब ये होगा कि इसमें हम लोग 55 लिखे हुए हैं, तो ये पहले क्वांटिटी का है, वो जितना भी क्वांटिटी ऑर्डर करेगा वो सभी के लिए 55 रुपीज़ ही लगेगा। चाहे वो 10 क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तब भी उसको डिलीवरी चार्ज 55 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं पर क्वांटिटी का सेट करना, तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला बताया गया है,
ऐसे हम लोग को अपना डिलीवरी चार्ज लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इनटू लगाना है, मतलब कि स्टार का निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद कोष्टक लगाना है इसमें, इस तरीके से इसमें क्वांटिटी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है QTY, इस तरीके से लिखना है आपको। और इसके बाद ब्रैकेट को हम लोग को क्लोज कर देना है। इससे यह होता है कि 55 रुपये पर क्वांटिटी का आपको लगेगा। 55 रुपये एक ऑर्डर करेगा तो 55, दो ऑर्डर करेगा तो 110, तीन ऑर्डर करेगा तो 165, इसी तरीके से कैलकुलेट होते जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया। इसी तरीके से जैसे मैं आपको बताया था कि पहले क्वांटिटी के लिए आपका 55 रुपये है और दूसरे क्वांटिटी के लिए आप लेना चाहते हैं 70 रुपये, तीसरे क्वांटिटी के लेना चाहते हैं 110 रुपये, मतलब कि ज़्यादा बल्क में ऑर्डर करते जा रहा है तो आप डिलीवरी चार्ज कम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। उसको मैं खुद से ही पता किया हूँ, इसमें तो उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप परसेंट वाइज भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये सभी छोड़िए, इसमें क्वांटिटी वाइज आप सेट कर सकते हैं पर क्वांटिटी का। तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं अभी। तो हम लोग का एक जोन अभी बन चुका है, जो जोन मैं बनाया हूँ। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारा जोन बना करके रखा हूँ, इसमें से मैं एक को आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें से मैं दुर्ग भिलाई जोन को ले लेता हूँ। तो दुर्ग भिलाई मेरे एरिया से लगभग 200 किलोमीटर के अंदर आता है, तो इसी कारण से इसमें ये सभी पिन कोड कवर होता है। तो ये दुर्ग भिलाई में, तो ये सभी पिन कोड को मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर, जैसे कि उसमें मैं डाला हुआ था। इसको मैं एडिट करता हूँ अभी। तो यहाँ पर जोन का नाम मैं दे दिया हूँ दुर्ग भिलाई, उसके अंदर ये सभी पिन आता है, पिन कोड आता है। तो ये सभी पिन कोड मैं डाला हूँ, देख लीजिए, ये सभी एक लाइन में एक पिन कोड डालना होता है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके मैं यहाँ तक कवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से इसका टोटल क्लोज हो जाएगा, इस कारण से ऐसे कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जिस पिन कोड को आप कवर करना चाहते हैं। और उसके बाद डिलीवरी मेथड का ऑप्शन आता है। तो डिलीवरी मेथड का मैं नाम रख दिया हूँ यहाँ पर डिलीवरी चार्ज, और टैक्सेबल में नॉन टैक्सेबल रख दिया हूँ, और कॉस्ट में रख दिया हूँ 25 रुपये प्लस क्वांटिटी कोष्टक में है और इनटू है 10। इसका मतलब ये होगा कि मान के चलिए आप एक ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी एक है, तो हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन है क्वांटिटी का, है ना। तो क्वांटिटी में एक आ जाएगा। अब क्वांटिटी को ये सॉफ्टवेयर जो है इनटू करेगा 10 से, तो एक गुणा होगा 10 से, तो हो गया 10 रुपये, और 10 का प्लस होगा इस 25 से, तो टोटल हम लोग का डिलीवरी कॉस्ट होगा 35 रुपीज़। अगर मान के चलिए यहीं पर वो ऑर्डर करता है दो क्वांटिटी, तो दो क्वांटिटी जब ऑर्डर करेगा तो नॉर्मली कंडीशन में हम लोग का दो क्वांटिटी के हिसाब से हो जाता है 35 प्लस 35, 70 रुपीज़ हो जाता है। लेकिन इस फार्मूले से क्या होगा, क्वांटिटी रहेगा दो, उसके बाद उसको इंटू करेगा सॉफ्टवेयर हम लोग का 10 से, तो 10 × 2 तो हो जाएगा 20 रुपीज़, और 20 प्लस 25 तो हम लोग का दो क्वांटिटी का ऑर्डर करेगा तो उसका डिलीवरी चार्ज पड़ेगा 45 रुपीज़। यहाँ पर जितना भी क्वांटिटी रहेगा वो इनटू होगा इससे, और उसमें प्लस होगा ये वाला जो है 25 जो है उसमें प्लस हो जाएगा। तो टोटल जो इक्वल यहाँ पर आएगा, इक्वल अमाउंट आएगा, वो आपका मेन डिलीवरी चार्ज रहेगा। जैसे कि सेम फार्मूला है, लेकिन मैं इसमें अमाउंट कम लेना चाहता हूँ, कम डिलीवरी चार्ज लेना चाहता हूँ। ये बिलासपुर जोन का है, तो ये मेरे सिटी ही है, तो इसमें मैं कम लेना चाहता हूँ। तो जैसे क्वांटिटी 5 ऑर्डर करता है, एक ऑर्डर करता है तो 5 से 1 का गुणा होगा, 5 × 5 और 5 प्लस होगा, तो 10 रुपये उसको डिलीवरी चार्ज पड़ेगा। अगर दो ऑर्डर करेगा, 5 × 2 = 10 + 5, 15 रुपये पड़ेगा। पहले ऑर्डर के लिए 10 रुपये, दूसरे ऑर्डर के लिए 15 रुपये, तीन ऑर्डर करता है मान के चलिए, तो 5 × 3 = 15, 5 = 20, 20 रुपये तीन ऑर्डर के लिए पड़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी के लिए 10 रुपये डिलीवरी चार्ज पड़ रहा है, उसके बाद आगे की सभी क्वांटिटी के लिए पर क्वांटिटी 5 रुपये बढ़ते जा रहा है। तो यही मुझे मेन बताना था, इसी को मैं खुद से फार्मूला बनाया हूँ और वर्क भी कर रहा है बहुत अच्छे से। तो इससे, इसके जरिए आप एक क्वांटिटी का अलग रेट रख सकते हैं, दूसरे का अलग रेट रख सकते हैं, तीसरे का अलग रख सकते हैं, तो आपको उनको भी ज़्यादा डिलीवरी चार्ज देना भी नहीं पड़ेगा और आपका भी डिलीवरी चार्ज निकल जाएगा। जस्ट डबल करने से डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं उन लोग को, जैसे 70 रुपये है, तो 140 रुपये दो क्वांटिटी के लिए कोई ऑर्डर क्यों करेगा, इतना ज़्यादा डिलीवरी चार्ज कौन देना चाहेगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को लगा करके आसानी से अपना डिलीवरी चार्ज मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस आपको यही बताना था, और ऐसे ही और भी फार्मूला अपने दिमाग लगा कर और भी बहुत सारा बना सकते हैं, सभी इसमें सपोर्ट कर रहा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको जानकारियाँ देखने के लिए मिलेगी, और वेबसाइट से रिलेटेड भी मैं कुछ जानकारियाँ और भी शेयर करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।